हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल स्टैप। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने स्थापना सीरीज़ का एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट जो हमारे प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। तो ये जो टॉपिक आज का हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हरप्पन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो इस टॉपिक को कवर करने के लिए हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे क्योंकि एक बहुत वाइड टॉपिक है अगर हम इसको देखें तो हम देखते हैं पहले कि जब आप हड़प्पन साइट्स को या हड़प्पन आर्ट एंड आर्किटेक्चर को डिस्कस करने जा रहे हैं तो नो डाउट आप हड़प्पन की जो साइट्स हैं उसको डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद वहाँ के लोगों की जो सोशियो इकोनॉमिक लाइफ थी हम उसको डिस्कस करेंगे, वहाँ का टाउन प्लानिंग कैसा था, वहाँ का एग्रीकल्चर, वहाँ पर जो डोमेस्टिकेशन थी वो कैसी थी, उनकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस कैसी थी। तो एक ये पार्ट हमारा बन जाता है। सेकेंड पार्ट जो है हम उनका देखेंगे, उसके अंदर हम लोगों को उनका जो आर्किटेक्चर है, उनका जो आर्ट है, जैसे वहाँ पे पॉटरी जो थी वो, उनके ऑर्नामेंट्स बेसिकली, ये सब जो है ये देखेंगे, जैसे टेराकोटा फिगर्स जो थी वहाँ पे, ब्रॉन्ज फिगर्स थी। तो ये हम अपने जो है पार्ट टू में डिस्कस करेंगे। तो पार्ट वन में जो है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो आज ये सब है विद इनकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस और कैसे इनको समझ के यूपीएससी कैसे क्वेश्चंस जो है वो फ्रेम करती है, चाहे वो मेंस हो चाहे वो प्रीलिम्स हो। तो इसलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिस्कस करते हैं इसको। देखते हैं पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसका एक्सटेंड। तो बेसिकली क्या था, 1921 में ये जो था ये डिस्कवर हुई थी ये साइट, प्लस पहले इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन बोलते थे। ये एक जानना जनरल नॉलेज के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पहले इसको हड़प्पन साइट बोलते थे लेकिन धीरे धीरे फिर वहाँ पे और जो है साइट्स आपको मिलने लगी, पता चलने लगा, सिविलाइजेशन होने लगी इंडस वैली के आसपास, इंडस रिवर के आसपास। ये जब आपको एग्जीक्यूशन जो है ये नज़र आने लगी तो इसलिए हमने जो है उसको क्या बोलना शुरू कर दिया, इंडस वैली सिविलाइजेशन उसका नाम रख दिया। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम IVC से आगे कोट करेंगे। तो IVC दैट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज अ फ्लरिशिंग सिविलाइजेशन दैट एमर्ज ऑन द बैंक ऑफ रिवर इंडस। कौन सी रिवर के पास, ये जो आप देख सकते हैं कि ये जो रिवर जो है ये इंडस रिवर जा रही है, तो कौन सी रिवर के पास जो आपको सिविलाइजेशन जो है वो देखने को मिली, वो इंडस रिवर थी, इसीलिए फिर उसका नाम जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन रख दिया। इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 3rd millennium BC, तो इट स्प्रेड अक्रॉस लार्ज पार्ट्स ऑफ, अब ये कहाँ कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, बेसिकली अगर आप इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप इसको देख रहे हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो इसका जो एक्सटेंट है वो कहाँ से लेकर कहाँ तक है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स में बहुत ज़्यादा था एंड वेस्टर्न इंडिया में। तो अगर हम इसको नॉर्थ टू साउथ या ईस्ट टू वेस्ट इसका एक्सटेंट देखें तो शिवालिक्स इन द नॉर्थ, मतलब वहाँ से लेकर अरेबियन सी इन द साउथ, यहाँ तक इसका एक्सटेंट था, एंड फ्रॉम मकरन कोस्ट ऑफ बलूचिस्तान इन द वेस्ट, तो अगर आप वेस्ट से देखें तो मकरन कोस्ट टू मेरठ इन द नॉर्थ ईस्ट, तो यहाँ पे मेरठ है। तो ये जो है इसका बेसिकली एक एक्सटेंट है, आप मैप में इसका एरिया देख सकते हैं, प्लस कौन कौन सी साइट्स जो हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी साइट्स जो हैं वो इस टाइम, इस सिविलाइजेशन के टाइम पे थी। तो दो मेजर साइट्स जो हैं जो हम सब लोग जानते हैं इस सिविलाइजेशन के टाइम पे, वो कौन सी हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन दैट इज़ हड़प्पन साइट एंड मोहनजोदारो। तो इसके फीचर्स बेसिकली आप अगर आपको पता हो तो क्या क्या फीचर्स थे इसके, यहाँ पे आपको सिविक प्लानिंग जो है वो अच्छी देखने को मिलेगी, ड्रेनेज सिस्टम था वहाँ पे, अच्छे हाउसेस थे, ब्रिक्स जो हैं बर्न ब्रिक्स का वो लोग यूज़ करते थे। तो ये सब आपको आगे, आप ज़रूर इन फैक्ट्स को, इन पॉइंट्स को याद रखना पड़ता है कि आप अपने आंसर्स में इसको देखेंगे, लिख पाएंगे, प्लस मेंस प्रीलिम्स में भी आपसे इन छोटे छोटे फैक्ट्स से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वहाँ ड्रेनेज, वहाँ ग्रीनरी थी, तो पोट्रीज, ज्वेलरी, ये जब ये सब जो था इनका इमेजिनेशन, विविड इमेजिनेशन आपको इन साइट्स पे देखने को मिला। तो देखते हैं हड़प्पा के बारे में, सबसे पहले ये एक एंशियंट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, विच इज़ लोकेटेड, अब ये कहाँ है, प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है। तो 1921 में ये जो साइट है डिस्कवर हुई थी। तो यहाँ की इंपॉर्टेंट एग्जीक्यूशन या इंपॉर्टेंट आर्टिफैक्ट्स जिसको आप बोल सकते हैं, तो क्या क्या मिला यहाँ से हमें, कि लिंगम एंड योनि, इनके सिम्बल्स मिले। तो इससे आप पता चल सकता है आपको कि उनके जो रिलीजियस प्रैक्टिस थी, अब वो देख सकते हैं इस पॉइंट से, वो कोट डाउन कर सकते हैं। वहाँ पे मदर गॉडेस के फिगर्स आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप एग्रीकल्चर या उनके फूड से देखें तो वीट एंड बार्ले वो आपको देखने को मिलेगा वहाँ पे। डाइस, कॉपर स्केल, ये सब एग्जीक्यूशन जो हैं वहाँ पर मिली। स्कल्पचर किसका, डॉग का, चेजिंग अ डियर इन द ब्रॉन्ज मेडल, ये मेटल, ये सब जो पॉइंट्स हैं ये ऐसे ही नहीं है कि सिर्फ देख लिया और हो गया काम, इन सबको दिमाग में रखना है क्योंकि यहीं से ही क्वेश्चन जो है
छोटे छोटे फ्रेम्स होते हैं, तब आपको पता चलेगा कि हाँ इस सिविलाइजेशन के टाइम पे लोगों में जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस थी तो वो किसको फॉलो करते थे, क्या वो टेम्पल्स में जाते थे या टेम्पल्स थे भी या नहीं थे, वहाँ पे ग्रीनरीज जो थी वहाँ पर आपको देखने को मिली, डॉग, ये भी क्वेश्चन बन जाता है, डॉग, काओ, हॉर्स, इन सब पे क्वेश्चन बनता है। तो ये सब जो है इंपॉर्टेंट जो भी एग्जर्वेशन आपको मिलती हैं तो ये सब याद करने वाली चीज़ें हैं। अ रेड सैंडस्टोन मेल टोरोसो हैव बीन एग्जीक्यूटेड, तो ये जो मेल टोरोसो था ये कैसा था, रेड सैंडस्टोन वाला था, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद हम देखेंगे मोहनजोदारो में हम लोगों को क्या क्या एग्जीक्यूशंस देखने को मिली, तो ये भी वन ऑफ द लार्जेस्ट सेटलमेंट्स है। टू इंपॉर्टेंट इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स कौन सी थी, फर्स्ट हड़प्पन एंड सेकेंड मोहनजोदारो, तो ये भी 1922 में डिस्कवर हुई थी। इसको किसने डिस्कवर किया था, बाय आरडी बनर्जी, ये एक ऑफिसर थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। तो अब आपको यहाँ पे क्या क्या एग्जीक्यूशंस मिली, क्या आर्टिफैक्ट्स फाउंड हुए, सिटेडल, तो सिटेडल अभी आपको आगे पता चलेगा कि एक रेस सिटेडल था यहाँ पे, कौन रहता था, फिर उसके बाद नीचे जो लोअर पार्ट है सिटी का वो, उसके बाद ग्रेट बार्ड, नो डाउट ये तो सब जानते हैं कि वहाँ पे ग्रेट बार्ड जो था आपको देखने को मिला, ग्रेट ग्रीनरी थी, पोस्ट क्रिमेशन बरियल, स्कल्पचर्स ऑफ बियर्डेड प्रीस्ट, तो ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये सब जो है मोहनजोदारो के एग्जीक्यूशंस हैं। और द फेमस ब्रॉन्ज स्टैचू, ये जो डांसिंग गर्ल का जो भी ब्रॉन्ज स्टैचू है ये इतना फेमस हो गया, अब ये ब्रॉन्ज फिगर्स जो मैंने आपको बताया कि वहाँ के स्कल्पचर्स जो हैं ये सब भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इनको आगे इनकी डिटेल स्टडी जो है वो देखेंगे कि कौन सी टेक्निक से ये डांसिंग गर्ल जो है बनी, तो ये सब जानना इंपॉर्टेंट होता है। पशुपति सील के बारे में, तो ये सब आपको पता होना चाहिए, इनको ध्यान में रखना। आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट सिटीज़ जो हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं, यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली जो है वो फ्रेम होता है। ये टेबल जो है वेरी इंपॉर्टेंट टेबल है, आप इसको याद कर सकते हैं कि हर एक साइट पे आपको कौन कौन से फीचर्स मिले हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, उनसे आपको पता भी चलेगा कि वहाँ के लोगों का रहना कैसा था, वहाँ पे क्या क्या ऐसी साइट्स थी जिससे आप थोड़ा एविडेंस ले सकते हैं कि वहाँ और क्या क्या था, मतलब वाटर हार्नेसिंग टेक्निक्स थी, एक अच्छी टाउन प्लानिंग थी, क्या लोगों में इंजीनियरिंग स्किल्स थी या नहीं थी। तो ये सब आपको कब पता चलता है, जब आप वहाँ की साइट वो एग्जीक्यूशंस देखते हैं, वहाँ के आर्टिफैक्ट्स जो आपको मिले उनसे आप देखते हैं कि हाँ यहाँ पे ये हो सकता था, ये उस टाइम पे ऐसा था। तो अब अगर हम ढोलावीरा साइट पे चलेंगे तो यहाँ पर क्या था, क्या फीचर्स थे यहाँ के, जायंट वाटर रिजर्वॉयर, तो मतलब इससे क्या पता चल रहा है कि वाटर हार्नेसिंग सिस्टम था वहाँ पर, 10 लार्ज साइंस लाइक एडवर्टीजमेंट बोर्ड्स, इंस्क्रिप्शंस थे इन सब चीज़ों के। अब लोथल जैसी जगह पे आपको क्या मिलेगा, वहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट साइट है एक तो ये नेवल ट्रेड की, प्लस ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो बोल्ड में, जो भी बोल्ड में हाईलाइटेड होता है, नो डाउट ये इंपॉर्टेंट है। अब जैसे लोथल है तो यहाँ क्या होगा, इंस्ट्रूमेंट्स फॉर मेजरिंग 45, 90 and 180 degree एंगल्स, तो इन सब एंगल्स को मेजर्स करने के लिए यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट्स भी मिले, कहाँ पर मिले, लोथल में मिले। तो ये सब पॉइंट्स पे स्ट्रेस देना है, जिनको मैं रिपीट कर रही हूँ बार बार, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। यहाँ पर रस्क, टेराकोटा फिगर्स ऑफ हॉर्स एंड शिप, तो ये सब जो है आपको ये जो कुछ फीचर्स हैं यहाँ के जो आपको इस साइट में देखने को मिले। राखी गिड़ी जो है ये एक इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट है हरियाणा में, इट इज़ कंसीडर्ड टू बी द लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। रोपड़ के बारे में देखते हैं, तो ये कौन से कहाँ पे लोकेटेड है, ऑन द बैंक्स ऑफ सतलुज, डोग बरिड विद ह्यूमन ओवल पिट बरियल्स, तो हर एक साइट के अपने इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, तो इनको कंसीडर करना, इनको ध्यान में रखना, नो डाउट इंपॉर्टेंट हो जाता है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे देखते हैं, काफ़ी और साइट्स हैं जैसे बलेथल एंड कालीबंगन साइट्स हैं, ये कहाँ पर हैं, ये मॉडर्न डे राजस्थान में है, जो किस लिए जानी जाती हैं, अपने बेंगल फैक्ट्री के लिए जानी जाती है, और यहाँ पे टॉयस की मैन्युफैक्चरिंग होती है। अब सुरकोटा डा जो है ये कहाँ है, आजकल प्रेजेंट डे गुजरात में है, फ्रॉम वेयर द फर्स्ट एक्चुअल रिमेन्स ऑफ होर बोन्स वर एग्जीक्यूटेड, मतलब ये ऐसी जगह है जहाँ से पहली बार हॉर्स के जो बोन्स हैं वहाँ आपको मिले, तो ये कौन सा साइट है, सुरकोटा डा। अब देखते हैं बनावली के बारे में, दिस वॉज एन इम्पॉर्टेंट IVC साइट इन द प्रेजेंट डे, ये भी हरियाणा में है, और ये कौन से रिवर के पास है, सिचुएटेड ऑन द सरस्वती रिवर के पास है, कौन सी साइट है, बनावली साइट है, मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ, कौन सी साइट है, बनावली साइट है, कौन सी रिवर के पास सिचुएटेड है, सरस्वती रिवर के पास सिचुएटेड है। दिस वॉज द ओनली साइट विद रेडियल स्ट्रीट, तो ये पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ ये एक ऐसी साइट सिटी थी जहाँ पर रेडियल स्ट्रीट्स जो हैं वो देखने को मिली, एंड द सेटलमेंट्स वहाँ
वहाँ पर कैसी थी, ओवल शेप्ड सेटलमेंट्स थी. कैसी सेटलमेंट्स? ओवल शेप. सम इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग्स फ्रॉम दिस सिटी वर, वहाँ पर आपको टॉय प्लव्स, बार्ले ग्रेन्स, ये सब देखने को मिला. आगे देखते हैं अलमगिरपुर, ये कहाँ पर है? प्रेजेंट डे मेरठ यूपी में है ये. और कौन से बैंक? यमुना बैंक के पास है. ये ईस्टर्न मोस्ट साइट है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये ईस्टर्न मोस्ट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, वेस्टर्न नहीं है, ईस्टर्न मोस्ट साइट है. आगे चलते हैं टाउन प्लानिंग, हम बात कर रहे थे इसकी, जो टाउन प्लानिंग है उस सिविलाइजेशन के टाइम पे कैसी थी, लोगों का रहना सहना कैसे था वहाँ पर, क्या पैटर्न्स वो फॉलो करते थे, कैसे रहते थे, तो ये सब देखते हैं. जो टाउन्स थे, आप ये देख सकते हैं फ़ोटोज़ की, ये ग्रीनरी की फ़ोटो है. आप फोटो से भी जब आपको पिक्चर आपके दिमाग में रहती है तो आपको चीज़ें और क्लियर होती हैं थोड़ी सी. तो आर्ट एंड कल्चर हो, एंशंट हिस्ट्री हो, उसको आप जितना ज़्यादा पिक्चर से देखेंगे उतना ज़्यादा आप उसको रिमेम्बर कर पाएंगे. अब जैसे टाउन्स हैं, रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न वहाँ पे लोग फॉलो करते थे. जो रोड्स होती थी, दे रैन इन नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, और एक दूसरे को दे कट ईच अदर एट राइट एंगल्स. तीन तरह की बिल्डिंग्स जो है वहाँ पर आपको उन साइट्स में देखने को मिलेंगी. वहाँ पर ड्वेलिंग हाउसेस थे, पब्लिक बिल्डिंग्स थी, प्लस पब्लिक बात भी थे. तो ये जो हर एक पॉइंट है ये अपने आप में ही इंपॉर्टेंट है. हर एक लाइन को ऐसे रीड नहीं करते जाना, चाहे वो फर्स्ट लाइन हो चाहे सेकेंड लाइन हो, कि वहाँ पर रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न था, राइट एंगल्स पे जो रोड्स हैं वो कट कर रही हैं. ये ऐसे ही नहीं है, ये इनका एक खुद का एक मतलब है, जहाँ से क्वेश्चन जो हैं आप खुद भी जब पढ़ेंगे तो देखेंगे कि हाँ, यहाँ से क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब मेन्स के देखेंगे तो आप इनको वहाँ पर कोट कर पाएंगे. इसलिए मैं बार बार स्ट्रेस दे रही हूँ कि इनको रिवाइज करना है, और डीप इन द लाइंस आपको देखना है कि कैसा ग्रिड पैटर्न था, कौन से एंगल पे कट कर रहा था, क्या डायरेक्शन होती है. तो ये सब इंपॉर्टेंट होता है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से. आगे चलते हैं टाउन प्लानिंग में फीचर्स जो हैं, जैसे हमने पहले पढ़ा था कि सिटेडल जो है वो रेज्ड पार्ट होता है और लोअर सिटी भी होती है. तो जो सिटेडल है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा रूलर्स जो थे, रूलर्स और एरिस्टोक्रेट्स क्लास जो थी वो यहाँ रहती थी, और लोअर सिटी में कॉमन पीपल रहते थे. तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, इससे भी आप एनालाइज कर सकते हैं कि एक डिफ्रेंशिएशन जो है, डिफ्रेंशिएशन मतलब सोशल वो है, वो भी आपको देखने को मिल रहा है. तो अब सिटेडल के बारे में हम पढ़ते हैं कि सिटी हमने देख लिया दो पार्ट्स में डिवाइडेड थी, एक अप्रेज सिटेडल वेस्टर्न पार्ट में और एक क्या है लोअर पार्ट ऑफ द सिटी, जो यहाँ पे डिपिक्ट जैसे किया हुआ है. तो अप्रेज सिटेडल में क्या था, बिल्डिंग्स थी, लार्ज डायमेंशन की बिल्डिंग्स वहाँ पे देखने को मिलेंगी, पिलर्ड हॉल्स, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स, ग्रेनरीज, कोर्ट यार्ड, ये सब आपको कहाँ मिलेगा, अप्रेज सिटेडल में मिलेगा. रूलर्स और एरिस्टोक्रेट जैसे मैंने आपको बताया इनके रेजिडेंस कहाँ थे, यहीं पर थे. अब जो ग्रेनरीज थी ये भी एक इंटेलिजेंटली डिजाइन करी गई थी. ये जो अब इससे हमें समझ आ रहा है कि हाँ, वहाँ पर टाउन प्लानिंग थी, कुछ लोगों में इंजीनियरिंग स्किल्स भी थी कि आप राइट एंगल पे ही आपकी जो रोड्स हैं वो कट कर रही हैं. एक प्रॉपर डिज़ाइन था जिससे ग्रीनरीज बन रही हैं, ग्रेट बाथ जैसी चीज़ें थी. तो ये जब ये सब कब होगा, जब कुछ इंजीनियरिंग स्किल्स वहाँ के लोगों में उस टाइम पर प्रेजेंट थी. तो अब हम देख सकते हैं कि जो ग्रीनरीज थे वहाँ पर एयर डक्ट्स थे, रेज प्लेटफॉर्म्स थे, जिससे आप जो है आपके जो ग्रेन्स थे वो वहाँ पर अच्छे से स्टोर कर पा रहे थे और उनको पेस्ट से जो है प्रोटेक्ट कर सकते थे. मतलब वहाँ के लोगों में इतना नॉलेज था कि वो इन सब चीज़ों को कंसीडर करते थे और उसके हिसाब से अपनी डिजाइनिंग करते थे. इन द सदर्न पार्ट ऑफ कालीबंगन देर वर ब्रिक प्लेटफॉर्म्स. इस पॉइंट से क्या पता चल रहा है आपको, हर मैं बता रही हूँ हर एक वर्ड से आपको पता चल रहा है चीज़ें. यही आर्ट एंड कल्चर होता है, जिससे आपको हर एक लाइन में हर एक वर्ड जो है कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर देता है. इससे इंटेलिजेंटली डिजाइंड आपको पता चल रहा है, यहाँ से ब्रिक प्लेटफॉर्म से पता चल रहा है कि वहाँ पर ब्रिक्स का यूज़ होता था. तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको यहाँ से पता चल गया, विच मे हैड बीन यूज फॉर ग्रीनरीज. तो थस इट वुड अपीयर दैट ग्रीनरीज प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन हड़प्पन साइट्स. अब देखते हैं पब्लिक बाथ्स, दे इंडिकेट द इंपॉर्टेंस ऑफ रिचुअलिस्टिक क्लिंजिंग. यहाँ से आपको पता चल रहा है कि रिचुअलिस्टिक क्लिंजिंग जो है वो भी उस कल्चर में आपको देखने को मिलेगी. तो इसीलिए इसका एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल क्या हो गया, ग्रेट बाथ्स, जिसके जो आपको रिमेन्स कहाँ मिले, मोहनजोदड़ो में. आगे देखते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन का लोअर पार्ट जो था सिटी का, अभी हमने अपर पार्ट देखा था, दैट वाज सिटेडल. अब लोअर पार्ट जो है सिटी का वो क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं. सोशल डिफरेंशिएशन इज इंडिकेटेड बाय डिफरेंट रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर्स. अभी मैंने आपको पीछे स्लाइड में एक्सप्लेन किया था कि सोशल डिफरेंशिएशन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आपको एरिस्टोक्रेसी क्लास दिख रही है, रूलर्स के हाउसेज दिख रहे हैं, तो लोअर पार्ट में जो सिटी का लोअर पार्ट है वहाँ पर आपको कॉमन पीपल जो है
उनके घर नज़र आएंगे। तो अगर आप रेजिडेंशियल के बेसिस पे देखें तो आप देख सकते हैं कि एक सोशल डिफरेंशिएशन जो है उस टाइम में लोगों में था। अब वहाँ पे नंबर ऑफ़ रूम्स जो हैं वो भी वैरी करते थे। अब वन रूम हाउसेज भी होते थे वहाँ पे और टू रूम भी होते थे, तो इसलिए जहाँ पे मतलब बेसिकली स्टेयर्स हैं, तो इससे आपको क्या इंडिकेट होगा, ये इंडिकेट होगा कि वहाँ पर डबल स्टोरीड हाउसेज भी प्रेजेंट थी। मोस्ट बिल्डिंग्स हैव प्राइवेट वेल्स थे, बाथरूम से और प्रॉपरली वेंटिलेटेड थे। ये इंपॉर्टेंट है कि प्रॉपरली वेंटिलेटेड थे वो। अब देखते हैं वहाँ के लोगों की इकोनॉमिक लाइफ कैसी थी। There was a great progress in all the spheres of economic activity. मतलब आप वहाँ पे चाहे agriculture ले लीजिए, industry and crafts and trade, तो हर एक चीज़ में जो है प्रोग्रेस थी वहाँ पे। वहाँ के जो लोग हैं, वीट एंड बार्ले जो है उनका एक मेन क्रॉप होता था, उसके अलावा वो लोग क्या ग्रो करते थे, सीसम, मस्टर्ड, कॉटन। तो कॉटन बेसिकली, अब ये जो पॉइंट्स हैं ना ये ऐसे ही नहीं लिखे हुए हैं, इन सब पॉइंट्स का मतलब है कि वहाँ पे कॉटन जैसी चीज़ें हैं वो भी ग्रो करी जाती थी उस टाइम पे। अगर आप एनिमल्स देखेंगे तो वो किसको डोमेस्टिकेट करते थे, शीप्स, गोट्स, बफेलोज, तो ये सब भी डोमेस्टिकेट होते थे। क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि उस टाइम पे लोगों को गोट या बफेलो के बारे में पता था। हाँ पता था, वो लोग उनकी डोमेस्टिकेशन करते थे। द यूज़ ऑफ हॉर्स इज नॉट येट फॉर्मली एस्टेब्लिश, तो ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे होंगे तो आपको वहाँ पर भी पता चला होगा, एक क्वेश्चन भी आया था इस पर कि जो हॉर्स है वो उसका एक प्रॉपरली आप नहीं कह सकते कि वो था या नहीं, प्रॉपर एस्टेब्लिश्ड उसके पे साइट्स पे नहीं मिला आपको, बट लेकिन ये कहना दैट पीपल वर कम्प्लीटली अनअवेयर ऑफ दैट एनिमल, तो ये भी इनकरेक्ट होगा। तो इसलिए यूपीएससी प्रीलिम्स 2017 का आप पेपर देखना, इस पे भी एक क्वेश्चन फ्रेम हुआ था। तो इस स्लाइड से काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट जो है आप देख सकते हैं, सोशल डिफ्रेंशिएशन हो गया, वहाँ लोगों की इकोनॉमिक लाइफ हो गई। इकोनॉमिक लाइफ में भी फर्दर हर एक पॉइंट, छोटा पॉइंट कि वहाँ के लोगों को गोट्स और बफेलोज के बारे में पता था, हॉर्स का जो एविडेंस है वो प्रॉपर अच्छे से एस्टेब्लिश नहीं हुआ लेकिन लोगों को थोड़ा हॉर्स के बारे में आइडिया था, उनकी प्रोग्रेस अच्छी थी, वीट एंड बार्ले जो है वो ग्रो करते थे, कॉटन जो है वो भी वहां ग्रो होती थी। तो दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इंडस वैली सिविलाइजेशन का ट्रेड एंड कॉमर्स देखते हैं। वहाँ पे उस टाइम पे मेजर इम्पोर्ट्स जो थे, जो वो करते थे, तो वो क्या क्या थे, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये सब इसको एक बार आप देखेंगे तो आपके दिमाग में दो या तीन बार जब आप रिवाइज करेंगे तो ये छोटे छोटे फैक्ट्स होते हैं जो आपको अपने आप ही चार पाँच बार पढ़ने से पता चल जाएंगे। अब जैसे गोल्ड कहाँ से आता था, अफगानिस्तान से, पर्शिया से, सिल्वर, कॉपर, ऐसे ही टिन, एगेट्स, लेड, कॉयन, तो ये सब जो हैं ये मेजर इम्पोर्ट्स थे। तो एक अच्छा ट्रेड भी था विद इन द नॉर्दर्न एंड द वेस्टर्न एरियाज ऑफ द सब कॉन्टिनेंट एंड बिटवीन द पीपल ऑफ दिस कल्चर एंड दोज ऑफ पर्शियन एंड द गल्फ ऑफ मेसोपोटामिया। तो इससे क्या पता चल रहा है कि अगर ट्रेड हो रही है वहाँ पे, बेसिकली यहाँ से गल्फ में, पर्शियन गल्फ में, मेसोपोटामिया जैसी जगहों पे अगर ट्रेड हो रही है तो मतलब कम्युनिकेशन है, ट्रांसपोर्ट भी है। तो मतलब क्या, इससे क्या पता चल रहा है कि ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन भी वहाँ पर था, देयर वॉज अ मेजर पार्ट, क्योंकि ट्रेड एंड कॉमर्स से डायरेक्ट लिंक बनता है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का। तो एक गुड ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम था वहाँ पे, चाहे वो इंटरनल ट्रेड हो चाहे वो एक्सटर्नल ट्रेड हो। ट्रेड कैसे, बाय शिप्स, बाय बोट्स, इन सब की आपको ये जो है फाउंड आपको मिली है यहाँ पे। आपको कैसे पता चल रहा है, कुछ सील्स पे, कहीं पॉटरी पे, जब आप इन सब चीज़ों की रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं तो पता चल रहा है कि वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ शिप्स एंड बोट्स अगर आपको मिल रही हैं तो नो डाउट कि शिप्स एंड बोट्स की हेल्प से ट्रांसपोर्टेशन जो है वहाँ होती होगी। रिलीजियस प्रैक्टिसेस देखते हैं वहाँ के लोगों की, क्या फेथ, क्या बिलीफ था। तो द हड़प्पन लुक्ड अपॉन द अर्थ एज अ फर्टिलिटी गॉडेस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो अर्थ को कैसे देखते थे, एज अ फर्टिलिटी गॉडेस एंड वर्शिप्ड हर उसी तरीके से एज द इजिप्टियंस वर्शिप इन नील गॉडेस आइसिस। आगे देखते हैं, द पीपल ऑफ द इंडस रीजन, जो वहाँ के लोग थे, दे ऑल्सो वर्शिप ट्रीज एंड एनिमल्स। मैंने वहाँ पे पढ़ा जैसे योनी जो है, लिंगम एंड योनी, ये सब भी इनकी जो है वर्शिप वो करते थे। तो वहाँ पे ये सब चीज़ें भी थी उस टाइम पे, लोग जो है वर्शिप करते थे, रिलीजियस प्रैक्टिसेस वहाँ पे देखने को मिल रही हैं, ट्रीज़ की भी करते थे, एनिमल्स की भी करते थे, बट गॉड्स वर नॉट प्लेस्ड इन द टेंपल्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपसे पूछा जा रहा है कि वहाँ टेंपल्स थे क्या, भगवान ऐसे टेंपल्स में वो जाके पूजा करते थे, तो टेंपल में जाके वो पूजा
नहीं करते थे। तो आप मेंस में भी इनके क्वेश्चंस जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप देखेंगे 2014 हो 2015 हो, दो बार इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है, टू व्हाट एक्सटेंट हैज़ द अर्बन प्लानिंग एंड द कल्चर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन प्रोवाइड इनपुट्स टू द प्रेजेंट डे अर्बनाइजेशन। तो ये क्वेश्चन जो है अगर आप पीछे प्रीवियस स्लाइड्स देख के आए हैं जहाँ मैं बार बार चीज़ों पर स्ट्रेस दे रही थी कि वहाँ की अर्बन प्लानिंग, वहाँ पर लोगों में जो इंजीनियरिंग स्किल्स थी, ड्रेनेज सिस्टम, ग्रीनरी, ब्रिक्स, बर्न ब्रिक्स, तो ये सब जो है इन चीज़ों को आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं टू द प्रेजेंट डे अर्बनाइजेशन और किस एक्सटेंट तक कर सकते हैं, तो ये सब आपको कब पता चलेगा, जब वो सब एटलीस्ट आपको ये पता हो कि वहाँ के फीचर्स क्या थी उस साइट के, तो तभी आप चीज़ों को लिंक कर पाएंगे। आगे भी एक क्वेश्चन था जीएस वन में 2015 में आया था, द एंशियंट सिविलाइजेशन इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट डिफर्ड फ्रॉम दोज ऑफ इजिप्ट, मेसोपोटामिया एंड ग्रीस, इन दैट इट्स कल्चर एंड ट्रेडिशंस हैव बीन प्रिजर्व विदाउट ब्रेक डाउन टू द प्रेजेंट डे। तो ये क्वेश्चन भी अभी हम जब देख रहे थे कि उनका मेसोपोटामिया और ग्रीस और इजिप्ट के साथ क्या क्या डिफरेंस था या क्या क्या चेंजेस थे वहाँ के लोगों में, यहाँ के लोगों में, वहाँ पे वहाँ का हमारा ट्रेड एंड कॉमर्स उनके साथ कैसा था, वहाँ के लोगों की वर्शिप, यहाँ के लोगों की वर्शिप कैसी थी, तो ये सब जो है यहाँ पर कोट करना है। तो बेसिकली कहने की बात क्या है कि ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हड़प्पन सिविलाइजेशन, जहाँ से क्वेश्चन जो है चाहे वो प्री में आप देख लीजिए या मेंस में देख लीजिए वो पूछा जाएगा, और हर एक पॉइंट में आपको एक ऐसा फैक्ट मिलेगा ही मिलेगा जो आपको कोट करने में हेल्प करेगा, चाहे वो टाउन प्लानिंग की किसी कोई भी चीज़ हो, चाहे वो आगे आप रिलीजियस प्रैक्टिसेस जो हैं वो देख लीजिए, तो आप इनको दोनों क्वेश्चंस में आंसर्स में ऐड कर सकते थे। आगे देखते हैं हमारा क्वेश्चन फर्स्ट जो है आज का, विद रेफरेंस टू द डिफरेंस बिटवीन द कल्चर ऑफ ऋग्वैदिक आर्यंस एंड इंडस वैली पीपल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ये यूपीएससी प्रीलिम्स 2017 का ही क्वेश्चन है, इसको डिस्कस करते हैं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते थे। तो अगर हमें टू मार्क्स लेना कितना इंपॉर्टेंट है आप सब जानते हैं, तो इस अगर इस क्वेश्चन में आपको थोड़ी भी नॉलेज होती तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाता। ऋग्वैदिक आर्यंस यूज द कोट ऑफ मेल एंड हेलमेट इन द वॉरफेयर, वेयर एज द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन डिड नॉट लीव एनी एविडेंस ऑफ यूजिंग दैम। ये हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है। सेकेंड स्टेटमेंट, ऋग्वैदिक आर्यंस न्यू गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर, वेयर एज इंडस वैली पीपल न्यू ओनली कॉपर एंड आयरन। तो हमने ये भी पीछे अभी पढ़ा था, तो देखते हैं इस स्टेटमेंट के बारे में भी। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, ऋग्वैदिक आर्यंस हैड डोमेस्टिकेटेड द होर्स, वेयर एज देर इज नो एविडेंस ऑफ इंडस वैली पीपल हैविंग बीन अवेयर ऑफ दिस एनिमल। तो सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। अब इन मान लो फर्स्ट स्टेटमेंट या सेकेंड स्टेटमेंट में आपको थोड़ा सा भी डाउट हो, तो मैंने हॉर्स का अभी कंसेप्ट आपको पीछे बताया था, तो इससे आपको पता चल जाए, अगर आपको इतना ही पता चल जाए कि स्टेटमेंट थर्ड जो है वो सही है या नहीं है, इतनी भी अगर आपको नॉलेज हो कि थर्ड स्टेटमेंट जो है वो गलत है या ऋग्वैदिक आर्यंस हैड, वेयर एज द देर इज नो एविडेंस ऑफ इंडस वैली पीपल हैविंग बीन अवेयर, तो ये स्टेटमेंट जो है गलत है। एटलीस्ट मैंने आपको वहाँ पर स्ट्रेस दिया था कि एटलीस्ट देवर अवेयर कि हाँ हॉर्स थोड़ा है, तो इसीलिए हमारी जो थर्ड स्टेटमेंट है वो गलत हो जाती है। तो अगर हमारी थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाती है तो डायरेक्टली मैं अपने इन तीनों आंसर्स को एलिमिनेट कर सकती हूँ और मेरा आंसर क्या हो जाएगा, सिर्फ ए। तो आप ये देख सकते हैं कि कैसे एक इन्फॉर्मेशन होने से आप एलिमिनेशन के मेथड से ही क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और जबकि ये पेपर में ही आया हुआ क्वेश्चन है, दैट इज 2017 प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया था ये। आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइजेस द पीपल ऑफ इंडस सिविलाइजेशन, दे वर्शिप्ड अर्थ एज देयर फर्टिलिटी गॉडेस। तो ये हमने अभी रिलीजियस प्रैक्टिसेस में पढ़ा, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। हॉर्सेस वर यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, तो ये स्टेटमेंट क्या सही है, हमने पढ़ा कि हॉर्सेस के बारे में थोड़ा लोगों को अवेयर था, देवर थोड़ा अवेयर, ऐसा नहीं है कि वो इस एनिमल के बारे में कंप्लीटली अनजान थे या जानते नहीं थे, लेकिन ये कहना कि आप उनको यूज करते थे फॉर द ट्रांसपोर्टेशन of goods, तो ये क्या ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट है। तो वीट एंड बार्ले वर द मेन क्रॉप्स ग्रोन बाय द पीपल ऑफ इंडस वैली, बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है, तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाता है, आंसर इज ए, फर्स्ट एंड थर्ड ओनली।
थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन कंटेक्स्ट ऑफ सिटी इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इस क्वेश्चन से आपको क्या पता चल रहा है, सबसे पहले तो कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तीन स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, आपको बताना है कि उनमें से कौन सी जो साइट है उसको रेफर किया जा रहा है। ये क्वेश्चन आपको तभी थोड़ा पता चलेगा, उसके बारे में आइडिया लगता है, जब अभी हमने टेबल डिस्कस करी पहले कि कौन कौन सी साइट में क्या क्या इंपॉर्टेंट एग्जर्वेशंस, क्या क्या सेलियंट फीचर्स थे, वो टेबल अगर आपको याद होगी तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। पर क्वेश्चन पढ़ते हैं, इट वॉज सिचुएटेड ऑन द ड्राइड अप सरस्वती रिवर पे, वो साइट है, प्रेजेंट डे हरियाणा में है इस टाइम पे। तो आगे क्या है, इट वॉज द ओनली सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन जहाँ पे आपको रेडियल स्ट्रीट्स देखने को मिली, एंड द सेटलमेंट्स एट इन दिस सिटी वर ओवल इन शेप। तो हमने पीछे डिस्कस किया ये अभी, तो ये किस सिटी के बारे में बात करी जा रही है, दैट इज बनावली, ये सिटी जो है बनावली में है। आगे देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन रिगार्डिंग टाउन प्लानिंग, टाउन प्लानिंग के ऊपर ये क्वेश्चन है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द हाउसेज इन द टाउन्स एंड सिटीज फॉलोड अ ग्रिड सिस्टम। बहुत ही सही बात है कि हाँ, वहाँ पे ग्रिड सिस्टम जो है फॉलो किया जाता था, जहाँ पे जो रोड्स हैं राइट एंगल्स पे कट करती थी। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, चाहे आप इसका इतना हाफ पार्ट देख लीजिए, फिर आगे इसको देख लीजिए। द टाउन्स हैड अ वेल प्लान्ड ड्रेनेज सिस्टम, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रही है, द टाउन्स वर जनरली डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, अपर सिटीडल इन द ईस्टर्न पार्ट एंड लोअर पार्ट ऑफ द सिटी इन द वेस्टर्न पार्ट। अगर मैं इसको ऐसे सिंपल पढ़ती जाऊँ मुझे क्या लगेगा कि हाँ, अपर सिटीडल की भी बात करी हुई है, लोअर पार्ट की भी बात करी हुई है, टू पार्ट्स की भी बात करी हुई है, तो स्टेटमेंट जो है मेरी करेक्ट है, मैं आंसर डी अपना मार्क कर देती। लेकिन स्ट्रेस देने वाली कहाँ बातें थी, और ये स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट नहीं है फ्रेंड्स, इनकरेक्ट है। अब बात करेंगे क्यों इनकरेक्ट है। मैंने इसका आधा पार्ट पढ़ा, द टाउन्स वर जनरली डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, ठीक है। अपर सिटीडल, हर एक वर्ड को ध्यान से देखना है, अपर सिटेडल इन द ईस्टर्न पार्ट, यहाँ पे स्ट्रेस देना है। क्या वो ईस्टर्न पार्ट में था, हमने डिस्कस किया था वो ईस्टर्न में नहीं वेस्टर्न पार्ट में था। तो ये छोटे छोटे जुमले जो हैं, जिनसे जो है जानते हुए भी आप ऐसे इसको इग्नोर करते हुए अपने आंसर को मार्क कर देते हैं और फिर आपका आंसर जो है वो गलत हो जाता है। हमें इन्हीं चीज़ों को ही अवॉइड करना है और देखना है कि कितना इंपॉर्टेंट है चीज़ों को अच्छे से रिवाइज करना, पढ़ना, डीप इन द लाइन्स देखना। हर एक वर्ड जो है उसका अपना ही एक मीनिंग है, जो फिर आप जिसे आंसर जो है या तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे या फिर गलत हो जाएंगे। तो इसलिए अपर सिटेडल ईस्टर्न पार्ट में नहीं था, वेस्टर्न पार्ट में था, एंड द लोअर पार्ट ऑफ द सिटी। बस तो कौन सी स्टेटमेंट हमने देख लिया, अब हमें आंसर पता चल गया होगा, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट जो है वो हमारी करेक्ट है, डी जो है हमारा इनकरेक्ट है। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं आज का, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, वुमेन एन्जॉयड इक्वल स्टेटस विद मेन इन इंडस वैली। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि वहाँ पे जो वुमेन्स थी उनको मेन के साथ इक्वल स्टेटस जो है वो दिया जाता था। तो फर्स्ट स्टेटमेंट मेरी करेक्ट है, इट वॉज मार्क्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ स्टार्क सोशल डिफरेंसेज अमंग पीपल। तो अब यहाँ पे कई बच्चे जो हैं उनको लगेगा कि अगर वुमेन जो हैं उनको मेन के साथ इक्वल स्टेटस दिया जा रहा है तो सोशल डिफरेंसेस तो है ही नहीं। लेकिन सोशल डिफरेंसेस जो है वो एक जनरल टर्म है दोस्तों। सोशल डिफरेंसेस मैंने अभी पीछे जब डिस्कस किया था कि अगर आप सिटेडल जैसी चीज़ें देख रहे थे कि वहाँ पे भी एक सोशल डिफरेंशिएशन था कि अगर जो रूरल क्लास है वो ऊपर रह रही है, कॉमन पीपल जो है वो नीचे रह रहे हैं, तो एक सोशल डिफरेंशिएशन इस टर्म्स में है। तो अगर यहाँ पर है तो ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट जो है इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी जो है ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट हो जाती है कि देयर वर सोशल डिफरेंसेज अमंग द पीपल, ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। तो विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज और आर करेक्ट, दोनों ही स्टेटमेंट्स जो हैं वो हमारी करेक्ट हैं। तो ये जो सिक्स्थ क्वेश्चन है ये आप सबके लिए होमवर्क है, इसे पता चलेगा कि आपने आज का जो लेक्चर है वो अच्छे से सुना या नहीं सुना। और उसके बाद फर्स्ट स्लाइड में आपको एक हिंट भी दे रही हूँ, इस जो लेक्चर था इस लेक्चर की फर्स्ट स्लाइड में ही हमने ये चीज़ देखी थी। तो क्वेश्चन क्या है, अरेंज द फॉलोइंग साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ये यूपीएससी के बहुत फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं, नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, चीज़ों को अरेंज करना। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड सबसे पहले, तो कि आप जब चीज़ों को देख रहे हैं तो कैसे देख रहे हैं। उसके बाद यूपीएससी पर्सपेक्टिव से जब आपने सिर्फ गो थ्रू कर लिया कि हाँ ये है ये है ये है, लेकिन उसकी अरेंजमेंट्स या आपको चीज़ें इस तरीके से आप इस पर्सपेक्टिव से कब देखना शुरू करोगे, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे। मैं बार बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे स्ट्रेस इसीलिए दे रही हूँ क्योंकि जब तक ये नहीं पता चलेगा जो तैयारी कर रहे हो
वो होते हुए भी उस डायरेक्शन में नहीं हो पाएगी जो एक राइट ओरिएंटेशन और डायरेक्शन में होनी चाहिए. तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, उसको डेली डेली पढ़ना है. अब ये जो है ये आपका होमवर्क है कि नो टू साउथ आपको इन जो साइट्स हैं इनको अरेंज करना है, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो नीचे कमेंट बॉक्स में आज सब करेंगे. ठीक है, तो ये थे हमारा कुछ आज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हमने डिस्कस किया. ये देखा कि कैसे जो है मीन्स में आंसर्स आप लिख सकते थे, कैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में हमने उसको पार्ट वन में डिस्कस किया, उसकी क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें उन लोगों की वहाँ की लाइफ जो थी. तो आई होप आपको सब क्लियर हो गया होगा. अगर फिर भी कोई डाउट है या आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो ये हमारी मेल आईडी और हमारा ये फ़ोन नंबर है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. प्लस टेलीग्राम पे भी एक चैनल है जहाँ हम डेली फ्री कंटेंट जो है वो अपलोड करते हैं, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं. इसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. तो थैंक यू फ्रेंड्स.